मैं भी इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होना चाहती हूँ। अरे वाह बेटी, अब तो इस प्रतिस्पर्धा में और भी मनोरंजन बढ़ जाएगा। गोकुलवासियों, अब इस प्रतिस्पर्धा में एक बेटी भी आ गई है। राधा की भांति यदि अन्य बेटियां भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहती हैं, तो वो हमारे सामने आए। हाँ काका, तो मेरी कुछ सखियां भी प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होना चाहती है। सखियों, सभी यहाँ आ जाओ। देखो देखो मित्रों, ये बालिकाएं हमसे स्पर्धा करेंगी। हाँ नंद काका, ये हुई ना असली प्रतियोगिता। अब बालक और बालिकाएं बराबर है। क्यों ना आप बालक और बालिकाओं का दल बना ले, आपके गोकुल के बालकों को भी याद हो जाएगा कि हम बालिकाएं किसी से कम नहीं। ये क्या हो रहा है काना? हम इन बालिकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकते। तुम इसके लिए सहमत मत होना। क्या हुआ? कई गोकुल के माखन चोर से ना हम बालिकाओं से भयभीत तो नहीं हो गई? वैसे तुम सभी का इस प्रतिस्पर्धा से पीछे हट जाना उचित रहेगा, क्योंकि आप हमसे हार गए, बड़ा उपाय बनेगा तुम सबका। बाबा, हमें चुनौती स्वीकार है। ठीक है, तो मैं ये स्पर्धा आरंभ करता हूँ और पहली पहली पूछूंगा मैं, और जो भी बालक बालिका मेरी पहली को सुलझाएगा वो आगे जाएगा और वहां पर एक व्यक्ति होगा जो दूसरी पहली पूछेगा, और जो भी बालक बालिका उस पहली को सुलझाएगा वो अगले पड़ाव में जाएगा। इस प्रकार से 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जो भी बालक और बालिका सबसे पहले इन पहली को सुलझाएगा वही माखन से भरे पात्र के खजाने तक पहुंच पाएगा। ये प्रतिस्पर्धा तो ये क्षण भर में ही जीत जाएंगे कान्हा। कान्हा, इनको पता नहीं कि इनके बोलने से पहले तुम पता कर लोगे कि माखन कहाँ है। तुम्हें तो तीनों पहेलियां सुनाने की आवश्यकता भी नहीं है कान्हा। नहीं दाऊ, इस बार प्रतिस्पर्धा बराबर ही होगी। मैं अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। पता तो चले कि हमारे प्रतिद्वंदी कितने कुशल हैं।